या फ्रैंकली स्पीकिंग जीतने का तो सोचा नहीं था, हमने बस सोचा था कि हम अपना बेस्ट देंगे और देखेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छा टीम परफॉर्मेंस रहा है, जहाँ छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस या इंडिविजुअल ब्रिलियंस लोगों ने दिखाया है, जैसे फर्स्ट जो मेरी बॉल में स्लिप में जो ब्रिलियंट कैच लिया स्टीवन टेलर ने, जो एरन जोन्स ने जो सिक्स मारा है क्रूशल मोमेंट पे, नीतीश ने जो लास्ट बॉल पे चौका मारा है, हमारे कप्तान साहब ने जो 50 मारे हैं, सूर्य कुमार है, अंडर 15 से हम खेल रहे हैं साथ में, तो एक अच्छा भी लगेगा उनसे मिलने का और उनके लिए खुश भी हूँ। आखिरी बॉल में वही प्लान था कि वाइड ना हो जाए, कि स्टंप के अंदर जो डालना है बॉल और सेफ बॉल डालना है, बस उतना ही सोचा था। पर मैं कॉन्फिडेंट था आखिरी बॉल के टाइम पे। बहुत ही स्पेशल फीलिंग है स्पेशली सबके लिए, कि हमने मेहनत भी बहुत करी है प्रिपरेशन में टूर्नामेंट के लिए, लास्ट 2-3 महीने से हम लगे हुए हैं। हाँ, बहुत ही स्पेशल फीलिंग है स्पेशली सबके लिए, कि हमने मेहनत भी बहुत करी है प्रिपरेशन में टूर्नामेंट के लिए, लास्ट 2-3 महीने से हम लगे हुए हैं, तो काफ़ी स्पेशल फीलिंग है कि हमको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम अगर अच्छा खेले, हमारा बेस्ट देंगे, तो अच्छे टीमों को कंपटीशन दे सकते हैं। ये क्या सोचा था कि एक ऐसा बड़ा टूर्नामेंट ओपनिंग मैच और वो टीम को हराना जो फाइनल खेली है पिछला वर्ल्ड कप T20 का? या फ्रैंकली स्पीकिंग जीतने का तो सोचा नहीं था, हमने बस सोचा था कि हम अपना बेस्ट देंगे और देखेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और जो भी गेम से सीखने मिले सीख के इम्प्रूव करेंगे हम हर गेम में। लेकिन आई थिंक बहुत ही अच्छा टीम परफॉर्मेंस रहा है, जहाँ छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस या इंडिविजुअल ब्रिलियंस लोगों ने दिखाया है, जैसे फर्स्ट जो मेरी बॉल में स्लिप में जो ब्रिलियंट कैच लिया स्टीवन टेलर ने, जो एरन जोन्स ने जो सिक्स मारा है क्रूशल मोमेंट पे, नीतीश ने जो लास्ट बॉल पे चौका मारा है, हमारे कप्तान साहब ने जो 50 मारे हैं, एंड्रेस गॉस ने, तो सब लोगों ने कंट्रीब्यूट करा है, तो एक अच्छा लगता है कि सारे टीम ने कंट्रीब्यूट करके हम उस विक्ट्री को पाया है। लेकिन कितना टफ रहा, क्योंकि एक सुपर ओवर डिफेंड करना, वो भी वर्ल्ड कप का, वो पाकिस्तान थी, आपको कितना प्रेशर चल रहा था, आपके दिमाग क्या कुछ चल रहा था? सो आई थिंक शुरुआत एक अच्छी तरीके से हुई कि हमारी बैटिंग पहले थी और 19 रन मारे हैं, तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ मॉरल विक्ट्री होती है, क्योंकि 19 रन का मतलब है कि आपको 3 बॉल अच्छे करने हैं, तो अच्छे में से, क्योंकि 3 छक्के मार सकते हैं, तो वो एक मन में था कि बेसिकली प्रोसेस सिंपल रखना है। और मैंने उनकी बॉलिंग भी देखी थी, मैं सिमिलर प्लान से गया, क्योंकि लेग साइड छोटी बाउंड्री थी और ऑफ साइड पे बड़ी बाउंड्री थी, तो ऑफ साइड पे शॉट बनाने का प्लान था, इसलिए मैं बाहर जो मैं स्लोअर बॉल्स और क्योर्कर्स डाल, प्लान वही था मेरा। हाँ, अच्छा, आखिरी बॉलर 7 रन चाहिए था, तो क्या सोचता, क्योंकि छक्का चला गया तो फिर तो ऊपर आएगा चली जाए। आखिरी बॉल में वही प्लान था कि वाइड ना हो जाए, कि स्टंप के अंदर जो डालना है बॉल और सेफ बॉल डालना है, बस उतना ही सोचा था। पर मैं कॉन्फिडेंट था आखिरी बॉल के टाइम पे, पहले जो सेकंड बॉल पे चौका आया उसके बाद थोड़ा सा मुझे नर्वस लगा था, पर फिर भी मैंने फिर ये सोचा कि नहीं, प्रोसेस पे फोकस करना है, अपने प्लान को बैक करना है। सब इंडिया से आप रहे हैं, आपने बहुत बॉलर को भी देखा है, तो क्या कुछ इंडिया के बॉलर से सीखने को मिला, यहाँ पे क्या डिफरेंट रहा पिचेस पे, मैं बात करूँ अगर, शुरुआत आपने इंडियन पिचों से की थी? हाँ, यहाँ पे क्योंकि कंडीशंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, अभी जो नए स्टेडियम्स है, अभी जो न्यूयॉर्क का स्टेडियम भी है जो अभी बना हुआ है इस इवेंट के लिए, तो हमें भी नहीं पता कैसा खेलेगा, हम खुद भी नहीं खेले वहाँ पे। डैलस के पिच पर हम खेल चुके थे लास्ट ईयर जो हमारी मेजर लीग हुई थी, तो उस पिच से हम अब वाकिफ थे, वो बैटिंग के लिए थोड़ी अच्छी होती है लेकिन थोड़ा सुबह के टाइम में स्लो हो जाती है विकेट, तो स्लोअर बॉल्स और कटर्स वहाँ पे अच्छे चलते हैं, तो वो एक थोड़ा एडवांटेज था कि हम खेले हुए थे वहाँ पे, तो हमें मालूम था क्या करना है वहाँ पे। इंडिया से आपको अगला मुकाबला है, तो क्या कुछ इंडियन प्लेयर्स से टिप्स लेना चाहेंगे आप लोग, कि आप खास करके बॉलर से अगर बुमराह आए हैं हमारे साथ, बुमराह से अगर आप रात की बात करूँ, तो क्या कुछ टिप्स लेना चाहेंगे? आई मीन सारे ही प्लेयर जो इंडियन टीम के लिए खेल रहे, वन ऑफ द टॉप टीम इन द वर्ल्ड है, तो डेड हमारे के लिए ऑब्वियसली देख के सीखने मिलेगा कि वो कैसा खेलते हैं, कैसा अप्रोच करते हैं, और उसी तरीके से कुछ लोग जो टीम में है, मैं बचपन से उनके साथ मैं खेला भी हूँ, जैसे सूर्य कुमार है, अंडर 15 से हम खेल रहे हैं साथ में, तो एक अच्छा भी लगेगा उनसे मिलने का और उनके लिए खुश भी हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी जगह बनाई है टीम में, IPL में अच्छा करते आए हैं,
तो एक इमोशनल मोमेंट रहेगा मेरे लिए और हमारे लिए एक अच्छा चैलेंज होगा। आखिर सवाल तो ये है कि इंडिया के खिलाफ मुकाबला है, अपनी अपने देश के खिलाफ खेलेंगे आप, तो कैसा रहेगा, इमोशनल रहेगा या फिर ये रहेगा नहीं गेम है जीत दिलानी है? हाँ, वैसा सोच नहीं है कि देश है खिलाफ है वगैरह, हमारा बस ये फोकस है कि मेरा इस टीम में क्या काम है, जो मेरा धर्म है इस टीम के लिए क्या है, जो मेरा बेस्ट अपने टीम के लिए मैं दूंगा और अपना प्लान्स एग्जीक्यूट करने का ट्राई करूंगा और एंजॉय करूंगा गेम को।